कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में तीन राज्यों में एनआईए की छापेमारी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 60 ठिकानों पर। तुर्की सीरिया में 40,000 से ज्यादा मौतें, 222 घंटे बाद मलबे से महिला को जिंदा निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अब आखिरी दौर में। चीन के जासूसी बैलून पर यूएस का बयान, जासूसी ही कर रहा था चीनी बैलून, बैलून के मलबे से अहम सेंसर बरामद। अमेरिका का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा दावा, कहा पुतिन की नजर यूक्रेन के मित्र देश मोल्दोवा पर, मोल्दोवा में तख्ता पलट की साजिश रच रहे पुतिन। अमेरिका के बाद रोमानिया में दिखा संदिग्ध गुब्बारा, रोमानिया के दक्षिण पूर्व में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, 11,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेवियर के बाद भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता, पप रोमू शहर में 50 किलोमीटर दूर था। झारखंड के पलामू में दो समुदायों के बीच झड़प, शिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ विवाद। कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेगी ब्रिटेन की नई रानी, भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर, क्वीन के लिए 100 साल पुराना दूसरा क्राउन रिपेयर हो रहा। निक्की की लाश लेकर 35 किलोमीटर घूमता रहा साहिल, कार में शादी को लेकर हुआ था झगड़ा तो मोबाइल चार्जर से करार फूटा, बॉडी फ्रिज में रखी। भारतीय मूल के निकी लड़ेगी यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन, वीडियो मैसेज में कहा नई जनरेशन को मौका मिले, ट्रंप से होगा मुकाबला। पहली बार अमेरिका से बाहर आया F-35 फाइटर, जेट बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में अपनी क्षमता दिखाकर दर्शकों को इम्प्रेस किया। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर जनता, सरकार का प्रस्ताव, संसद के फैसले पलट नहीं सकेगा सुप्रीम कोर्ट, नाराज लोगों ने संसद घेरी। सऊदी अरब की महिला एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन जाएगी, रियाना बरनाबी की ट्रेनिंग जारी, इसी साल यूएस से टेक ऑफ करेगी फ्लाइट। इमरान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को सराहा, पुतिन हमें भी सस्ता तेल देने तैयार थे, जनरल बाजवा ने गड़बड़ कर दी। हरियाणा में अमित शाह के प्रोग्राम में विद के घोड़े आतिशबाजी की वजह से रेलिंग बांध कर पब्लिक में जाग से इंस्पेक्टर को ग्राउंड में पटका। वामपंथी उग्रवाद पर अमित शाह का दावा, बोले 9 वर्षों में 70% की कमी आई, जल्दी ही पूरे देश से खत्म कर देंगे। वाराणसी में निर्माणाधीन मकान का गिरा हिस्सा, मलबे में 2 मजदूर के दबे होने की आशंका, 1 मजदूर की मौके पर मौत। वेमेंस T20 वर्ल्ड कप, भारत की लगातार दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल के करीब पहुंची टीम। सानिया मिर्जा होगी आरसीबी वेमेंस टीम की मेंटर, WPL में टीम से साथ जुड़ेगी, कहा प्रेशर से लड़ना जरूरी। दूसरे टेस्ट के लिए श्रेयस अय्यर फिट, टीम स्क्वाड में फिर शामिल हुए, बुमराह की वापसी तय है।